अंडा खरीदी में हो सकता है बड़ा घोटाला। रेलवे कर्मचारियों का बड़ा संकेत। झंडा के नाम पर कर्मचारियों की जेब पर डाका। 38 रुपए प्रति झंडा कर्मचारियों के वेतन से काटे। आजादी के इस अमृत महोत्सव में केंद्र की मोदी सरकार की अनुकंपा से हमें आजकल वह सब कुछ देखने को मिल रहा है जो हम भारतवासी आजादी के 75 वर्षों में कभी नहीं देख पाए। वो तो धन्य है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो उनके रहमो करम से आज हमारा भारत इस मुकाम पर पहुंचा है। रेलवे कर्मचारियों के वेतन से काटे जा रहे हैं झंडे के नाम पर रुपए। जी हाँ, मामला उत्तर प्रदेश का है। अमर उजाला अखबार में छपी खबर के अनुसार उत्तर मध्य रेलवे में कार्यरत 63,000 रेल कर्मी अपने आवास पर तिरंगा फहराएंगे। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय ध्वज उत्तर मध्य रेलवे ही उपलब्ध करवाएगा। रेलवे ने इसका मूल्य 38 रुपए निर्धारित किया है। तिरंगे की कीमत की वसूली रेलवे कर्मियों के वेतन से कटौती कर की जाएगी। रेलवे के इस निर्णय का नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ ने विरोध किया है। एम्प्लॉय संघ के जोनल महामंत्री आरपी सिंह का कहना है कि जोन ने स्टाफ बेनिफिट फंड से तिरंगा खरीदने का निर्देश जारी किया है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन झंडे के एवज में वेतन से कटौती करना सही नहीं है। स्टाफ बेनिफिट फंड का ही उपयोग इसमें किया जाए। वहीं मंडल मंत्री चंदन सिंह ने दोहराया है कि रेल कर्मी राष्ट्रीय ध्वज खरीदने में सक्षम है। वेतन से कटौती की बजाय रेल कर्मियों को खुद ही तिरंगा खरीदने दिया जाए। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि देश के किसी नागरिक या कर्मचारी के अंदर कम से कम इतनी देशभक्ति तो जरूर होती है कि वह भारत का तिरंगा अपने देश की शान के लिए अपने आवास पर लहरा सके या पहरा सके, अपने पैसों से तिरंगा खरीद सके। इस देश का नागरिक चाहे कितना भी गरीब हो, वह अपनी भारत माता के लिए एक तिरंगा तो क्या हमेशा अपनी जान न्योछावर करने के लिए तैयार रहता है। तो फिर इस प्रकार कर्मचारियों के वेतन से झंडे के नाम पर जबरन पैसे वसूलना क्या इस तरफ इंगित नहीं करता है कि सरकार अपने चहेते व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह का कोई षड्यंत्र रच रही है।